Hello students, in this video we are going to discuss reasoning with uncertainty. Uncertainty is a state in which the machine give the result with incomplete inputs. First of all, we are going to discuss the definition of uncertainty. Uncertainty की है, it is a lack of certainty, मतलब predefined कुछ भी नहीं है. पहला जो अपने को इनफ नॉलेज नहीं है, यानी नॉलेज अपने को इनकम्प्लीट है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द बेस्ट आउटकम और करेक्ट आउटकम फ्रॉम दिस अन इनकम्प्लीट नॉलेज. सो इट इज द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. बट फिर भी उस तो बाद भी आप जो चैलेंजेस है कई अपने को आते हैं, बट उन्होंने सॉल्व करने वास्ते अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्निक्स है जिन्हों अनसर्टेनिटी पहला ही डिफाइन करके लैके चलते हैं कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो अनसर्टेनिटी के है कि कई बार डाटा लॉस हो जाता है, कई बार की होंगे इनएकूरेट डाटा होंगे, डाटा करैक्ट नहीं होंगे, कई बार नॉइजी आउटपुट अपने को प्रोड्यूस होंगे भी आप जो है नॉलेज के बेस से बिल्कुल एकूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस हो सी, बट जब तक यूजर तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दैन इतने अपने को अनसर्टिनिटी अकर हो जाती है. अनसर्टिनिटी हूँ हैंडल करने वास्ते अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्नीक्स है. पहली है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, दूसरी हैगी फजी एनालिसिस, तीजा हैगा सॉफ्ट कंप्यूटिंग टैक्नीक. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करते हैं अनसर्टिनिटी किस किस रीजन करके आती है. ये की हैगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अनसर्टिनिटी होंगी है, वो कई बार फॉल्ट अपनी जी एग्जिस्टिंग नॉलेज होंगी होंगे, कई बार जी इनपुट अपने को करैक्ट नहीं आती उसका फॉल्ट होता है, समटाइम्स अपने को आउटपुट सही प्रोड्यूस होंगी है, बट इन बिटवीन कोई इस तरीके का फॉल्ट आ जाता है कि यूजर उस आउटपुट तो सैटिस्फाई नहीं होंगे. अनसर्टिनिटी के अपने को दो टाइप की जी वैल्यू हैगी, ट्रुथ एंड फॉल्स तो अलावा भी कुछ होर प्रोसैस करके अपन जो डिफाइन करना पैदा यूजर नूं, दैन अपने को अनसर्टिनिटी की कंडीशन आ जाती है. जनरली स्पीकिंग जो आप गल करिए अनसर्टिनिटी का मतलब की है, असमेटिक एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजन एंड नेचर ऑफ द सर्टनिटी. जो भी आप अनसर्टिनिटी की गल करते हैं तो सारों पहले अपने को चाहिए है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया जाए कि ये अनसर्टिनिटी ये अनसर्टेन कंडीशन किस दी उपज है, लाइक अपने को नॉलेज की कमी सी, जां अपने को जो नॉलेज सी वो इस नाल रिलेटेड नहीं सी है, जां अपने को जो है नॉलेज इनफ सी बट रिजल्ट प्रोड्यूस होन करन वास्ते जिहड़ी उन्हां दी कनेक्टिविटी हुई हैगी, जो उन्हां दी रिलेशन बनया है वो प्रॉपर नहीं बनया है. द वे टू रिप्रजेंट अनसर्टिनिटी इन फॉर्मल लैंग्वेज, आप चाहते हैं कि जो भी अनसर्टिनिटी के कॉजेज है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के डिस्क्राइब हो, जो यूजर अंडरस्टैंड हो जाए. अ सैट ऑफ इनफ्रेंस रूल्स दैट आर ड्राइव अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी किन्ना कॉजेज करके आई है उन्होंने रूल्स को डिफाइन किया जाए, उन्होंने सैट्स को पहला डिफाइन किया जाए. द एफिशियंट मैमरी कंट्रोल एंड मैकेनिज्म फॉर अनसर्टिनिटी मैनेजमेंट, अपने को प्रॉपर मैमरी होनी चाहिए है ताकि आप कंट्रोल कर सकी मैनेज कर सकी जो कोई अनसर्टन कंडीशन आती है. ये है नॉन मोनोटोनिक लॉजिक्स. नॉन मोनोटोनिक लॉजिक्स के होंगे है कि जो थोड़ा आउटपुट जो कंक्लूजन लैके आए हो एग्जिस्टिंग डाटाबेसिस तो लैके नॉलेज बेस तो लैके इज नॉट चेंज वैन न्यू इनफॉर्मेशन इज एडिड, जो सिस्टम के नवी इनफॉर्मेशन एड हो जाती है, दैन वह जो बिहेवियर है थोड़ा कंक्लूजन है वह चो चेंज नहीं हों, मोनोटोनिक लॉजिक बोलते हैं. नॉन मोनोटोनिक रीजन दे विच की हुंदा है, नॉन मोनोटोनिक रीजन दे विच जिहड़े कंक्लूजन है ओह ग्रो एंड श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं जदों अपने को नवी इनफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुंदी है, कि जदों ही एग्जिस्टिंग डाटा दे विच कोई चेंजेस आउंदा है, जां आपां चाहिए कि बाहरों जो इनपुट आई है वो अपने एग्जिस्टिंग डाटा नाल रिलेटेड नहीं है, दैन अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट इनफॉर्मेशन के बेस से अपना जिहड़ा है कंकलूजन चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अपने को डाटा बेस के नॉलेज बेस के की है, वर्ड्स टिपिकली फ्लाई, ट्विटी इज अ वर्ड, ट्विटी फ्लाई एक कंक्लूजन है, अपने को प्रिजप्शन है कि वर्ड फ्लाई करते अगर ट्विटी बर्ड है तो इट इज वो की करेगा फ्लाई करेगा ही करेगा, दैट इज मोनोटोनिक अपने को रिजल्ट आए हैगी है. ठीक है, हुण इहदे विच की हैगा कि जे अपने को इनफॉर्मेशन चेंज आ जाए, इफ द ट्विटी इज अ पेंगुइन दैन की होएगा तुहाडा जिहड़ा है कंक्लूजन इनकरैक्ट होएगा, क्यों, क्योंकि ट्विटी की है फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट अ बर्ड. ट्विटी अगर बर्ड है दैन वो फ्लाई करेगा, क्योंकि अपनी नॉलेज बेस से की है कि ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई. तो हूँ इतने नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग दे विच अपने कोले अगर ट्विटी वर्ड है दैन आउटपुट अपनी ट्रू आएगी,
अगर वर्ड फ्लाई करते हैं आप कंपेयर करेंगे, ट्विटी वर्ड है तो अपने को नॉलेज बेस के विच है, वर्ड्स कैन फ्लाई दैन ट्विटी कैन फ्लाई। अगर ये तो बाद कोई होर इनफॉर्मेशन आती है तो तुहाडे आउटपुट का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, दैट इज नॉन मोनोटोनिक लॉजिक। सॉल्व करने की टेक्नीक के जी पहली टेक्नीक है दैट इज प्रोबैलिटिक रीजनिंग। प्रोबैलिटिक रीजनिंग होंगे कि जिथे अपन प्रोबैलिटी लगती है कि इतने अपने जो है चांसिज हैगी है करप्ट होने के डाटा ज जो है कंकलूजन के फॉल्ट आने के चांसिज है, तो उन्होंने पहला ही सॉल्व करके रख दिया जाए। यानी ये अपने को डिफरेंट डिफरेंट आप फंक्शन आप कि जो अपने कंकलूजन है कंकलूजन अपने ट्र्यू हो, अगर कितने प्रोबेबिलिटी हैगी है कि अनसर्टिनिटी आएगी तो अनसर्टिनिटी हैंडल किया जा सके। पहला है ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते, तो पहला है नगेशन, नगेशन है अपोजिट। अगर तुहाडे कोल डाटा जो हैगा कि दीज आर नॉट वर्ड्स, वर्ड्स से नहीं होते कि अपने को आउटपुट प्रोड्यूस होएगी, वो अपोजिट अपने को रिजल्ट होंगे। कंजक्शन के अपने को दो प्रोबेबिलिटी है, दो अपने को चांसिस हैगी है, दोनों के दोन अगर सैटिस्फाई होंगे है, दोनों एक दूजे पर की है डिपेंड इंडिपेंडेंट रन होंगे कि अगर ए नहीं तो ए सही, ए नहीं है तो ए सही, ठीक है। दोनों के एक सैटिस्फाई हो कंडीशन दैन आउटपुट अपना सही कंकलूजन आ जाए कि अपने को दोनों स्टेटमेंट सही नहीं मिली, यानी ज कि ट्विटी इज अ वर्ड ट्विटी कैन फ्लाई, अगर दोनों स्टेटमेंट नहीं है दोनों के एक भी है यानी ट्विटी इज अ वर्ड दैन इट कैन फ्लाई, तक इट कैन फ्लाई अपना कंकलूजन वो आप फाइंड आउट करके रखा जो एक अपने को एक स्टेटमेंट भी ट्रू आ जाती है। डिसजेक्शन के हैगा कि दोनों स्टेटमेंट है दोनों सेम टाइम के कट्ठिया रन नहीं होनिया, दोनों कट्ठिया अगर फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है दैन ट्रू आउटपुट अपनी जनरेट होएगी। अननोन प्रोबेबिलिटी वैल्यू के होंगे, अननोन प्रोबेबिलिटी वैल्यू के है कि आप जो है जिथे अपने को प्रोबेबिलिटी पता ना हो कि यह अपने को फॉल्ट आ सकते हैं। इनकंसिस्टेंट प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट के है कि कंसिस्टेंटली नहीं है, कदे कदे वो फॉल्ट आ सकता है तो उन्होंने आप किमें हैंडल करांगे। अगर कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिस है, मान लो कि कैलकुलेशन के कोई प्रॉब्लम आदि उ अपने जो है रिजल्ट सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, दैन ये अपने को चैलेंजेस ने जो प्रोबेबिलिटिक अप्रोचेस के आने, अपने को पहला पॉसिबिलिटी अपने को नहीं पता, अपने को कंसिस्टेंट डाटा नहीं है, अपन नहीं आइडिया कि जगह पर जो है रिजल्ट रोंग अकर होने के चांसिस है, तीजा हैगा अपने को कंप्यूटेशनल लॉजिक अपने को सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस दे विच आपां की एनालाइज करांगे, सब नो पहला ए दे विच की हैगा कि अनसर्टेन इवेंट आउटकम कित्थे आउणगे जां इवेंट या आउटकम कित्थे प्रोड्यूस होणगे, उन्हां दी स्टडी करना कि आपां एनालाइज कर लिए कि कित्थे कित्थे अपने जिहड़े हैगे रिजल्ट्स सही प्रोड्यूस नहीं होणगे, अनसर्टेन कंडीशन आपां नूं फेस करनियां पै सकदियां, यानी यूजर दे अकॉर्डिंग चीज़ां नहीं प्रोड्यूस हो रहियां। दूजा की है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच आपां इंडिविजुअल आउटकम डिफाइन करांगे, इको एक हर एक मॉड्यूल का हर एक केस आप रन करके देखांगे, जिथे तुहानू लगता हैगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल दे विच पर्टिकुलर क्यूरी दे अगेंस्ट जिहड़े हैगे रिजल्ट सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अनसर्टेन प्रोड्यूस हो रहे, दैन उहनू आपां हैंडल करन दा ट्राई करांगे। तीजा आपां की करांगे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इंटरप्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, कि जो आप इनपुट जिहड़ा दिता है इनपुट के कारण अपने जिहड़े आउटपुट के इंटरप्शन हुई है दैन उन्होंने किवें हैंडल करना है, ये तीन चीज़ां आप मैनेज करांगे प्रोबेबिलिटिक एनालिसिस। नैक्सट जी सैकेंड अपनी टैक्नीक हैगी अनसर्टिनिटी सॉल्व करने, दैट इज फजी लॉजिक। फजी लॉजिक के हैगा कि आप जी थोड़ी जी इनफॉर्मेशन है वो तो ही बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके आप रिजल्ट दे दीए यूजर नू मशीन वालों, तो ये की हैगा कि जा तो हो सकेगा कि तुहाडे कोले नंबर्स ने, मान लो कि बहुत थोड़ी इनफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर सी, उस दे विचों जिहड़े बेस्ट कंकलूजन है मशीन ने कढ के देने हैं, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। फजी लॉजिक दे विच उह आइडिया ला लेगा कि इन्नी क कंडीशन ट्रू है, तो इस तो बाद इन्नी क जजमेंट ह्यूमन माइंड कर सकता सी, तो मशीन ने वही जजमेंट करके इंप्रैशन जी मशीन ह्यूमन ने देना सी वह इंप्रैशन हुण मशीन देगी। ये भी सेम नगेशन कंजक्शन एंड डिजंक्शन आप यूज करांगे, सेम एंड और नॉट गेट आप यूज करांगे, समटाइम्स कंडीशन फुली सैटिस्फाई नहीं हो रही दैन नगेशन, दैन कंडीशन कोई पार्ट फॉलो हो रहा दैन कंजक्शन, दोनों फॉल्स हो रहे हैं दैन अपने को है डिसजक्शन कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, दैन अपने को रिजल्ट प्रोड्यूस करने वास्ते अपने को।
एडवांटेजेस की है कि जनरल थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, जनरल जे आइडिया लावे अनसर्टेन कंडीशन कदे भी आ सकदी है या जो भी अपने को प्री डिफाइंड कुछ भी ना हो क्यूरी इस तरह की आ जाए कि नॉलेज बेस के रिलेटिड डाटा नहीं है। वाइडली एप्लीकेबल, मैनी प्रैक्टिस एप्लीकेशन के यूज होंगे है कि समटाइम्स आप कुछ सर्च करते हैं उन्होंने रिलेटिड कोई रिजल्ट नहीं दैन अपने कोई ना कोई मैसेज प्रिंट हों है ज कोई ऐसी वैबसाइट आई है जिदी वो कुछ ना कुछ रिलेटिड इनफॉर्मेशन अपने को अपीयर हो जाती है। नैचुरल यूज ऑफ वेग एंड इंप्रैशन कंसैप्ट, जो वेग कंसैप्शन ने जो वेग इनपुट्स एंड वेग क्यूरीज परफॉर्म होंगे उन्होंने नैचुरली उन्होंने कोई यूज करके कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करिए फजी लॉजिक के आप करते हैं। हेल्प फॉर कॉमन सेंस रीजनिंग एक्सप्लेनेशन, ये कि ह्यूमन माइंड की तरह जी मशीन अपनी कॉमन सेंस यूज करती है तो कॉमन सेंस के बेस के उत्ते यूजर सैटिस्फाई करने वास्ते रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। डिसएडवांटेज की है, मैंबरशिप फंक्शन कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड, ये जे इस रिलेटिड फंक्शन होने कि पर्टिकुलर इनपुट के उत्ते कि आउटपुट जनरेट करना वो बहुत डिफिकल्ट है। मल्टी वे टू कंबाइनिंग एविडेंस, कई सारे तरीके है जिन्होंने आप एविडेंस फाइंड आउट करके कंकलूजन के उत्ते पहुंचना होंदा है तो उत्थे प्रॉब्लम आउंदी है इन्हें ज़्यादा एविडेंस को आपस के कंपेयर करने के। प्रॉब्लम विद लोंग इनफरेंस चेन, जिन्हें को डाटा प्रोड्यूस करने के मल्टीपल थोड़े को आउटपुट की पॉसिबिलिटी है कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है, दैन उत्थे इन्हों हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है फजी लॉजिक के। फजी लॉजिक के आप अनालिसिस करते हैं, इस अनालिसिस करते हाँ कि एक यूजफुल सोल्यूशन निकल जाए जो भी अपने कोई कंडीशन आई है जिन्हों आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अनसर्टेन डाटा है तो वो रिलेटिड आप प्रॉपर सोल्यूशन लैके आईए ताकि डाटा तो इनपुट जी क्यूरी तो जी आना से वो आ चुकी है बट हूँ मशीन ऑपरेट प्रॉपरली कर ले, मशीन कुछ यूजर नू सैटिस्फाई कर दे, दैन इनू आप फजी लॉजिक दे विच एनालाइज करांगे। दूसरा की है, इहदे विच जो भी अनसर्टेन डाटा उनू आप हैंडल किया जाता है इनवायरमेंटल लैवल के उत्ते अपने को डिफरेंट रीजनिंग नॉलेज बेस मॉडल्स पे होंगे है जिन्हों आप कट्ठिया ही प्रोसैस करते हैं तो एक लॉजिक प्रोड्यूस करके आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर देने ताकि यूजर सैटिस्फाई हो जाए मशीन आउटपुट जनरेट कर दे। ये की हैगा मेन एम यदा की होंगे है कि कोई इंप्रसाइज रीजनिंग कि आप कोई रैशनल डिसीजन ना लैन की बजाय अनसर्टन कंडीशन दे विच कोई ऐसा डिसीजन ले लिए जेड़ा की करे यूजर नू सैटिस्फाई करे एनालाइज करके कि यूजर बिल्कुल ऐदा ही ना जावे कि यूजर की इनपुट करैक्ट सी या डाटाबेस दे विच ओ पर्टिकुलर इनफॉर्मेशन नहीं सी बट मशीन ने कुछ तो यूजर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करके दिता है, मशीन ने अपनी ह्यूमन माइंड की तरह एक्ट किया है। नैक्सट जी टैक्नीक है, जो लास्ट अपनी टैक्नीक हैगी अनसर्टेनिटी कंडीशन सैटिस्फाई करने के लिए, दैट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग टैक्नीक। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टैक्नीक जी हैगी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ये की हैगा कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग जिन्ना भी फजी लॉजिक या न्यूरल नैटवर्क से या प्रोबेबिलिटी रीजनिंग से इन्हें तिना मिक्सर करके एक नवा कंप्यूटिंग टैक्नीक बना दी गई है। ये की है फजी लॉजिक दे विच जिहड़े अपने कोले आउटपुट्स जनरेट हुंदे सी जां न्यूरल सिस्टम दे विच जिहड़े आउटपुट जनरेट हुंदे सी उन्हां सारे एलगोरिथम नूं कंबाइन करके एक नवीं टैक्नीक लर्निंग रिप्रेजेंटेशन बनाई गई है जिहदे नाल आपां मशीन नूं लर्निंग कैपेबिलिटी दे दिंदे आ ते प्रपोज सिस्टम खुद लर्न करके उन्हां एलगोरिथम दे नाल डाटा नूं आपस दे विच कनैक्ट करके यूजर नाल रिलेटिड यूजर दी क्यूरी दे नाल रिलेटिड जिहड़ी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिंदा डिफरेंट डिफरेंट एक हाइब्रिड टैक्नीक है हर टाइप की क्योंकि हर टाइप की जी टैक्नीक है फजी है वैल्यूएशन सिस्टम जिन्हें भी एलगोरिथम आप यूज किए थे इन्हों सॉल्व करने वास्ते प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी सारे एलगोरिथम आप इतने अडॉप्ट किया तो हाइब्रिड हाइब्रिड टैक्नीक है तो बहुत फ्लैक्सीबल टैक्नीक है बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रही है जिदे नाल अपने को एफिशियंट अपने को रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी क्यूरी दैन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।